अगर आपने फेसबुक मार्केटिंग या फिर फेसबुक एड्स डिज़ाइन रिसेंटली सीखा है और अब आप क्लाइंट्स हैंड करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई प्रॉमिस यू इस एक वीडियो में जो मैं आपको मेथड सिखाने वाला हूँ, ये मेथड आपको गारंटीड पोटेंशियल क्लाइंट्स के साथ किस तरीके से कॉन्टैक्ट करना है, कहाँ से किस टूल को यूज़ करते हुए पोटेंशियल क्लाइंट्स गेन करना है, वो भी बिल्कुल फ्री मुफ्त में कैसे करना है, ये इस वीडियो के अंदर मैं वॉक थ्रू करा दूंगा। अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाके मैं दिखा देता हूँ भाई किस तरीके से आपने इन लोगों को टारगेट करना है। ये जो ऑडियंस जिस पोटेंशियल क्लाइंट को मैं मैसेज करने का या कांटेक्ट करने का बोल रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी फेसबुक एड्स चला रहे हैं और वो कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। वो गलती आप जानते हैं कि क्या है, साथ साथ उनको वो गलती सुधारने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि ये अभी करंटली पैसा बाहर है, इनका ये पैसा फेसबुक एड्स के ऊपर या इंस्टाग्राम एड्स के ऊपर ज़ाया हो रहा है और आप उसके मसीहा हैं, आप उसके हीरो हैं और आप उसको ये पैसे सेव करके दे सकते हैं और शायद ये उसको पता नहीं है। हमें बस जाके उसके कान में ये बात बतानी है, आप ये गलती कर रहे हैं, इस तरीके से इस मिस्टेक को ठीक करा जा सकता है, मैं ठीक करके दे दूंगा, इतने पैसे लूँगा, इतने टाइम में होगा। ये पांच चीज़ें किस तरीके से हमने कम्युनिकेट करनी है क्लाइंट को ढूंढ के, चलिए आए मेरी स्क्रीन पे चलते हैं और सीखते हैं। आपने अपनी गूगल की स्क्रीन पे आने के बाद सर्च करना है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। यहाँ पे जो पहला लिंक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके से फेसबुक एड लाइब्रेरी की मेन स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है अपनी टारगेटेड कंट्री, मिसाल के तौर पर अभी हम ले लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, हम अमेरिका के क्लाइंट्स को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हमने वो मेन कीवर्ड लिखना होगा, जिससे रिलेटेड हम टारगेट करते हुए जिस इंडस्ट्री के क्लाइंट्स को हम शॉर्टलिस्ट करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक बहुत कॉमन सी नीश हैगी डॉग ट्रेनिंग। यहाँ पे मैं आपको इस वजह से करके शो केस करके दिखा रहा हूँ कि ये एक ऐसी नीश है जो मुझे पता है, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइज़ करते हैं, स्पेशली जो डॉग ट्रेनर्स होते हैं, और मोस्टली डॉग ट्रेनर्स इतने ज़्यादा हाईली ट्रेंड नहीं होते ग्राफिक्स के ऊपर या एड चलाने के ऊपर। तो इनिशियली जो बिज़नेस ट्राई कर रहा है एड्स चलाने का और मुझे दिख रहा है कि ये गलतियाँ कर रहा है, उस बिज़नेस को मैं पिच करूँगा। यहाँ से आके हमने देखना है कि कौन सी ऐसी ग्राफिक्स हैंगी जिस पर सही काम नहीं हुआ हुआ। अच्छा जी, एक यहाँ पे देख लीजिएगा एक्स्ट्रा डॉग, ये इस पेज का ये ऐड है। इस ऐड को मैं खोल के दिखा देता हूँ आपके पास। इसने ये ऐड बनाया हुआ है, फ्लैश सेल, किस चीज़ की फ्लैश सेल है, ये डॉग ट्रेनिंग के साथ किस तरीके से काम में आएगा, व्हाट दे आर ट्राइंग टू सेल, इस ग्राफिक से पता नहीं चल रहा। और यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी इन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन नहीं किया हुआ, इन्होंने क्या लिखा हुआ है बस डिस्क्रिप्शन के अंदर, डू यू वॉन्ट टू बेटर अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट विद योर फोर लेग्ड कंपेनियन, look no further, our new online introduction to Tellington iTouch course is here to change the way you connect with your dog. Basically ये बता रहे हैं कि भाई हम ऑनलाइन सेशन दे रहे हैं डॉग ट्रेनिंग के हवाले से, लेकिन इनका ऐड बहुत बुरा बना हुआ है, मतलब ये ग्राफिक किसी भी तरीके से डॉग ट्रेनिंग को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। इसी तरीके से देखें, इन्होंने दो एड्स चलाए हैं, इनको आप अपने पास शॉर्टलिस्ट कर लें, इनका पेज देख लें शॉर्टलिस्ट करके। अच्छा, यहाँ से आके आपने क्या करना है, फिल्टर्स में आके यहाँ से एक्टिव के स्टेटस को फ़िल्टर कर देना है। इससे क्या होगा, सिर्फ वो एड्स आपको दिखेंगे जो करंटली रन हो रहे हैं, और उसके बाद आपने फ़िल्टर करना है। खैर, इस पेज को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं तो इन्होंने लैंडिंग पेज अच्छा बनाया हुआ है, लैंडिंग पेज सही बनाया हुआ है, इनको एड फिक्स करने की ज़रूरत है। खैर, हम और क्लाइंट्स को यहाँ से फिर फ़िल्टर करना शुरू करते हैं। अच्छा, अब ये देखें, कॉन्टेक्ट अस टुडे एंड गेट स्टार्टेड विद वन ऑफ आर एक्सपर्ट बिहेवियरल स्पेशलिस्ट, लेट्स सी दिस एड। इन्होंने क्या किया हुआ है, सिर्फ एक डॉग की इमेज लगाई हुई है और जो टेक्स्ट है इनका वो भी बहुत कम है, ये फ़ायदा उठा सकते हैं हमारे नई एड ग्राफिक के साथ। अगर हम इसको कांटेक्ट करते हुए इसको मैसेंजर पे जाके अगर आप कांटेक्ट करें तो आपने ऐसे करना है कि इस इमेज को प्रॉपरली एक ग्राफिक्स डिज़ाइन बना के यहाँ पे CTAs डाल के कि भाई बुक नाउ के आगे नंबर भी लिखा हुआ है और डिफरेंट कॉल टू एक्शंस लिखे हुए हैं, प्रॉपर एक एड कॉपी बना के अगर मैं इसको इनबॉक्स करूं कि हे आई सॉ यू आर रनिंग एड्स, मैंने फेसबुक एड लाइब्रेरी पे देखा तुम एड रन कर रहे हो, ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, ये सैम्पल है, इस तरीके से तुम अपनी डॉग ट्रेनिंग वाले एड्स को फिक्स कर सकते हो। आप उसको दिखा दें रेफरेंस के तौर पे कि ये देखो ये ग्राफिक डिज़ाइन मैंने करा है और ये इसके साथ एड कॉपी चलेगी तो तुम्हारी कन्वर्जन रेशो बहुत बेहतरीन आने वाला है। आपने इस तरीके से उसको पिच करना है, जैसे ही वो देखेगा कि भाई आप उसकी मदद कर रहे हैं
वो आपको मदद मांगे ज़रूर आएगा कि अच्छा आगे से मेरी एड ग्राफिक्स आप ही बना दें या जो एड ग्राफिक आपने बनाई है ये मैं अपने ऐड के साथ यूज़ करना चाहता हूँ, इसकी आप मुझे रॉ फाइल दे दें या PNG हाई क्वालिटी फाइल दे दें ताकि इससे मैं अपने ऐड को इम्प्रूव कर लूँ, या फिर वो आपसे फर्दर सवाल करेगा, जो भी करेगा आपके लिए एक पोटेंशियल लीड बन चुकी है, ये बंदा ऐड रन कर रहा है और इसका ऐड सही से नहीं बना हुआ, अब ये मिस्टेक आपने यहाँ से फ़िल्टर आउट कर लिया, तो यहाँ से आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फर्दर यहीं से देख लें आपको। अब आप देखें यहीं से आपने देखना है कि कौन से एड्स बहुत हाई क्वालिटी हैं, बहुत टॉप नॉच बने हुए हैं, जैसे यहाँ से आपने देख लिया कि क्राउजल वाले ऐड अच्छे बने हुए हैं, या फिर कौन सी ऐड ग्राफिक ऐसी है जो कि बहुत क्लियरली कम्युनिकेट कर रही है, बहुत क्लियरली आपको मैसेज दे रही है ऐड ग्राफिक देखते ही साथ, और उसी किस्म का ऐड ग्राफिक आपने बना के दे देना है अपने उस बंदे को जिसका ऐड सही नहीं चल रहा है। अब जैसे यहाँ देखें कुछ मैं आपको ऐड ग्राफिक्स और दिखा देता हूँ, ये एक ऐड ग्राफिक है K9 कल्चर डॉग ट्रेनिंग, डॉग ट्रेनिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन इट्स एन ऑब्लिगेशन। अब ये देखें ये स्टेटमेंट इन इटसेल्फ खुद बहुत पावरफुल है, नीचे लिखा हुआ है फ्री इवेल्यूएशन, इसे कहते हैं कॉल टू एक्शन, क्लेम योर फ्री इवेल्यूएशन नाउ। अब ये देखें ये पूरा एक कॉल टू एक्शन है जो कि डायरेक्ट कर रहा है लोगों को कि लोग लर्न मोर के ऊपर क्लिक करें और इनसे रब्ता करें। अब देखें ये आ गया इसका फॉर्म, कितने प्रॉपरली इसने लीड जनरेशन का काम करा हुआ है, सी यही काम आपने अपने क्लाइंट को पिच करना है। अगर आप अब लैंडिंग पेज बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लैंडिंग पेज बता सकते हैं कि भाई ऐसे लैंडिंग पेज उस क्लाइंट को पिच करें जिसका अच्छा लैंडिंग पेज नहीं बना हुआ, तो इस किस्म के लोग आपसे फ़ायदा उठाएंगे। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे आके डेली के बेसिस पे आप कोशिश करें 5 से 6-7 क्लाइंट्स को डेली पुश करें, 10 दिन तक ये एक्टिविटी करें, 10 दिन के अंदर कोई ना कोई क्लाइंट 100% कन्वर्ट होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। क्योंकि अगर आप प्रॉपरली पिच कर रहे हैं, आपने प्रॉपरली किसी को अपनी वैल्यू एडिशन की है, मतलब वैल्यू ऐड करके दिखाया है कि आपको मैं किस तरीके से मदद कर सकता हूँ, ये बात उसको समझा दी है, तो अगर आपने 10 दिन इस तरीके से काम किया है, एवरेज 5 बंदों को रोज़ आप पिच कर रहे हैं, 50 में से कम 3-4 तो आपसे ख़रीदेंगे या एक तो ख़रीदेगा, 10 दिन के अंदर आपका पहला फ्रीलांस प्रोजेक्ट आने का इंतज़ाम यहाँ से हो जाएगा, बिकॉज दीज आर द पीपल जो ऐड रन कर रहे हैं और इनको आपकी अशद ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ भाई बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा आज की वीडियो में। अगर इस किस्म की और इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कि डिजिटल मार्केटिंग की को कवर करें या सोशल मीडिया को कवर करें, ब्लॉगिंग या SEO को कवर करें, इस किस्म की नीश के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नीचे एक मैंने प्लेलिस्ट की लिस्ट दी हुई है जिसके अंदर मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, SEO इन तमाम चीज़ों को कवर किया हुआ है, तो डू चेक दैट आउट। आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा टन्स ऑफ वैल्यू आप लेके उठेंगे इन सीरीज़ से। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।